अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान, इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। प्रेमी सजनों, सबसे पहले मेरा मौनी बाबा के चरणों में और जो भी यहाँ पर मेरे पिता तुल बुजुर्गन बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारे गुरुजी हरिराम गुर्जर जी, इनके चरणों में जो भी हमारी माता बहनाएं बैठी हुई हैं, सभी के चरणों में आपकी नन्ही सी बालक कुमारी इंद्र सिंह गुर्जर की तरफ से प्यार भरी राम राम साहब नमस्कार जी। अरे तम तो राम राम ले लियो, इसका नाराजगी है, भली पैसा मत दीजो, तम त्यार कुर्चा के पैसा बिल्कुल दुबका के राखो, पर राम राम ले लियो। सजनो, दूसरी बार आपकी समस्ती में प्रवेश किया है, ये हमारा सौभाग्य है और ये सारी बातें भाव की होती हैं। लेकिन भैया जी, बड़ी सुंदर बात लिखी है कवि ने, विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा, क्या लागी लागी सब कहें, चाचा जी गौर करना, लागी लागी सब कहें और लागी बुरी बला और लागी तो वह जानियो जो बाबा आर पार है जाए। एक से एक बढ़कर कलाकार है। और देखो सरदारो, गुजर बिरादरी तू साहब थोड़ो सो चिल्ला वो मैंने उसी के लियो, अगर कोई छोटी मोटी गलती है जाए तो बालक समझ के माफ करियो। लेकिन भैया जी, एक समय विचार कीजिएगा, अपमान भी कई प्रकार का होता है, इंसान न जाने अपने मन में कितना अहम, कितना घमंड, कितना गुरूर लियो बैठा है। भैया धर्मवीर, न जाने इंसान अपने मन में कितना घमंड करता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, किसी को अपमान होता अपनी सुंदरता के ऊपर, किसी को अपमान होता है अपनी जमीन जायदाद के ऊपर कि भाई मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी अपमान को देख करके, और भैया पीछे बारे हो, भाई साहब जो कॉर्नर में खड़े आवाज जारी हुए, तो भैया जो साउंड के कॉर्नर में खड़े हैं, भाई साहब अगर पिछले जन्म में तुम ऊंट हुए और याई जन्म में ऊंट बनना चाह रहे हैं तो बेशक खड़े रहो, ने इतनी सुंदर अच्छी व्यवस्था है, आप अंदर आए, व्यवस्था को बनाएं। जो भी भाई साहब खड़े हुए हैं आराम से, जो कमेटी के मेंबर हैं वो खड़े रहे, अपनी व्यवस्था को संभाले, बाकी जो भी श्रोता गण वो बैठ जाए। सजनो, सभी का ध्यान में मंच की तरफ चाहूंगी। प्रेमी श्रोताओं, इस अपमान को देख करके, इस घमंड को देख करके एक समय, और भैया धर्मवीर ये धरती मैया हंस रही है, कैसे हंसती है, इस कलयुग के घमंड को देख करके, लोगों के जो चेहरे पर जो घमंड रहता है उसको देख करके धरती मैया हंस रही है कि बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े दानवीर हुए, उनका घमंड नहीं रहा, उन राजाओं के साथ हुआ क्या, सुनिएगा बड़ी सुंदर बात और सुनने लायक बात। कैसे भैया धर्मवीर सुनिएगा, कह रही है धरती मैया कैसे, कहे जहान, और ये 11 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भैया जी दे रहे, बार बार धन्यवाद। और एक बार निवेदन है साहब, जाके प्रभु ने दो सुंदर सुंदर हाथ दिए, जाके नए दिए उनते तो कहूं का साहब में, जाको एक हाथ दियो भैया, वो एक हाथ के काम चली हूं, और एक बार जोरदारी ते जयकार और जरूर लगा दो, बोलिए मौनी बाबा की। और सुनिएगा, कह रही हूं धरती मैया कैसे, और मेरी मोती कहे जहान रेनो हंस के बोली धरती, और
सुनिएगा कैसे हंस रही है धरती भैया, भैया कहा कैसे हो मेरी मोती कहे जहान रेनो हंस के बोली धरती। क्यों कौन कौन से राजा हुए एक बात बताओ साहब ईमानदारी पे, इन्हें दस दस के ने कोई भात में ते तो ना ले आए खुल्ले ने ए बंदो नोट एक भी ना दिख रो। पर कोई बात ना साहब गुजर बरादरी ते मजाक कर भी की आदत है बुरो मत मानियो और मान जाए तो मेरे खेत में मत बरसियो। भैया जी कहा कैसे कौन कौन राजा हुए जिन्होंने अपमान किया और उनके साथ हुआ क्या धर्मवीर भैया, और ये क्या रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भैया जी दे रहे बार बार धन्यवाद। कैसे जवाब दिया अरे पृथ्वी जी महाराज पृथ्वी। कैसे पहले बोल बतरा लो साहब फैसलो कर लो कौन से दे लो, ये रुपया भी रो भी लग गए घूम घूम के। कैसे लो साहब दस को लो बोलो जवाब दिया पृथ्वी जी महाराज पृथ्वी और ये तो भानु से बनाई गए। सुनिएगा कहा कैसे पृथ्वी जी महाराज पृथ्वी। अब के तो आयो साहब बड़ो नुवट पर पतो ना सा दबाव में दे रहे जन कैसे दे रहे, ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे ताऊ जी दे रहे आशीर्वाद रूप में बार बार धन्यवाद। 21 रुपए का सम्मान ये भी हमारे ताऊ जी दे रहे कहा कैसे अरे पृथ्वी जी महाराज पृथ्वी और ये तो बानो से बनाए गए। और भैया जी क्या 40 रुपया खींच लो सब जल्दी करो साहब मेरू मेहनत चल रही है। कहा क्या मेरी मेरी और ये 100 रुपए का सम्मान विजय सिंह जी दे रहे आदरणीय बड़े भाई साहब बार बार धन्यवाद। अब भैया धर्मवीर ने बजा लो तो मैंने पैसा हमने ले आऊ जब आ रही हूं। और ये 51 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे ताऊ जी दे रहे हैं बार बार धन्यवाद सभी के लिए। सुनिएगा अरे मेरी मेरी कह के पृथ्वी मोई में समाई गए और प्रिय व्रत राजा ने क्या प्रिय व्रत राजा ने जी दे रहे बार बार धन्यवाद। अब देखो ना दोबारा चक्कर में आ रही हूं भैया कहा कैसे अरे प्रिय व्रत राजा ने समंदरी बनाए साथ और हेरे आठ पहर दोस राखी होने नहीं पीनी। सुनिएगा विचार करने योग्य बात बड़ी सुंदर बात लिख रहे कवि और बतलाया भैया कैसे Yeah.
से भी निवेदन है, घर की बातों को घर पर छोड़ दें और कथा की तरफ विचार करें। कलाकारों से निवेदन है, समय का ध्यान रखें, 10 मिनट बाकी हैं। इतनी जल्दी समय है रो, अब तुम चाहे 10 मिनट क्यों, घड़ी मैंने लगा रखी है साहब, यहाँ बगल में आई बजे थे। घड़ी बता रही है भैया, हमका बता दू ना साहब, मैंने लगाई है यहाँ बजे थे। अब आई तो मेरी आधा घंटा बाकी है, सुनिएगा, विचार करें। महाभारत आपने काफी सुना, रामायण आपने काफी सुनी, लेकिन आइएगा एक चलते बड़े सुंदर इतिहास की तरफ। प्रेमी श्रोताओं, जूनागढ़ राजधानी का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। भैया जी चाय वाले हो, चाय वाले पानी वाले भैया, अभी मत नहीं हूं कुछ भी, साइड में रुक जाइयो। सजरो विचार करें, जूनागढ़ राजधानी का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा, वही जूनागढ़ राजधानी जहां पर नरसिंह जी ने रामा के लिए भात पहराया था। उसी जूनागढ़ राजधानी के अंदर एक राजा राज किया करते थे। गौर करना, राजा का नाम था चंद्रगुप्त राजा, बड़ा ही बलशाली राजा था। लेकिन कहते हैं सरदारों के बुढ़ापा एक कड़वा सत्य होता है, जिसे हर किसी इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। चंद्रगुप्त राजा के लिए बुढ़ापा आ गया। आहा श्रोताओ, चंद्रगुप्त राजा के एक बेटा था, उस बेटे का नाम था मदन सेन। अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मदन सेन, ओ मदन सेन, ये राजपाट चलाना अब मेरा बस की नहीं रहा है, मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं आज से तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाता हूं, मैं आज से तुम्हें इस जूनागढ़ राजधानी का राजा बनाता हूं। जब इतनी बात कही, लेकिन एक बात मदन सेन के पिता चंद्रगुप्त ने कह दी कि बेटा मदन सेन, मैंने अपनी इस प्रजा को सुख दिया है तो तू भी इस प्रजा को सुख देना, इस प्रजा के लिए कष्ट मत देना। आहा श्रोताओ, मदन सेन राजा बन गया, राज चला रहा है। कुछ दिनों पश्चात चंद्रगुप्त राजा महलों से बाहर जाते, बच्चा बच्चा से पूछ रहे, जन जन से पूछ रहे कि भाई मेरा बेटा मदन सेन कैसा राज चला रहा है। बच्चा बच्चा ने जवाब दे दिया कि महाराज, आपका बेटा मदन सेन अच्छा राज नहीं चला रहा है, वो तो इस प्रजा को कष्ट दे रहा है। जब इतनी बात कही, गुस्से में चंद्रगुप्त राजा महलों में आ गए, मदन सेन को बुलाया, कहा मदन सेन, तूने मेरी इस प्रजा को कष्ट दिया, चला जा इस जूनागढ़ राजधानी को छोड़ करके, मैं तेरे लिए 12 वर्ष का देश निकारा देता हूं। आहा सरदारों, जैसे ही देश निकारा दिया, मदन सेन एकदम से हताश हो गया, पिताजी के चरणों में गिर पड़ा। कहा पिताजी, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए, लेकिन सरदारों, आज मदन सेन अपनी रानी चंद्र प्रभा के पास पहुंच गए। कहा रानी, मेरी खता पर, मेरी गलती पर मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष का देश निकारा दिया है, मैं जा रहा हूं उस जूनागढ़ राजधानी को छोड़ करके, और तुम यहाँ पर जो मेरे माता पिता हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, उनकी तुम सेवा करना। जब इतनी बात सुनी सजनों, रानी चंद्र प्रभा एकदम से दहाड़ मार गई। कहा महाराज, ओ स्वामी, मेरी एक बात सुन लीजिए। सुनिएगा रानी चंद्र प्रभा ने कौन सी बात कही, कोई लाग लपेट नहीं, कोई उपदेश नहीं, शुद्ध जिकड़ी। भैया जी कैसे, Thank you.
रोने लग गई रानी चंद्रप्रभा और मदन सेन से कह रही है कैसे और मैं देश निकार में करूंगी सेवा। ओ महाराज आपके बगैर इन महलों में मैं कदापि नहीं रहूंगी, इन महलों में मेरा कोई नहीं है। सुनिएगा क्या कहा, देश निकार में करूंगी सेवा और मैं पतवरता नारी और मत करे पिया मोए, अरे मत करे पिया मोए और तंग चलूंगी त्यारे संग में बल में रानी चंद्रप्रभा ने आंखों में आंसू है और कह रही है भैया धर्मवीर कैसे है? कहा मदन सेन से कहने लगी, कथा समझ आ रही है साहब, हाथ ऊपर खड़े करके बता दो। सुनिएगा कह रही है कैसे रानी चंद्रप्रभा, महाराज हे प्रिय आपके बगैर मैं महलों में कदापि नहीं रहूंगी। श्रोता बंधुओं, राजा मदन सेन और रानी चंद्रप्रभा दोनों ने जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दिया, बियाबान जंगल में आ गए, लेकिन बताया पैदल पैदल जा रहे दोनों, पैदल पैदल जा रहे दोनों, ये तो बिकट बनी में आए हैं और थके चकना चूर भैये फिर आपस में बत गाए हैं। नार कहे पिया यही सुस्ता लियो, नार कहे पिया यही सुस्ता लियो, ई बरगद की शीतल छैया और मैं जोड़ू हाथ पड़ू में तिहारे पनिया। रानी ने कह दिया कि स्वामी अब चलना बस की नहीं है, हमें इसी जगह पर आराम करना चाहिए। जब ये बात कही, अब सुनिएगा कहानी मोड़ ले रही है, और भैया जी होता क्या है, मदन सेन करता क्या है, विचार करें कैसे। विचार करें कहानी मोड़ लेती है यहां से, रानी चंद्रप्रभा के साथ होता क्या है बियावान जंगल में, और वो मदन सेन क्या कर रहा है। जब आराम की बात कही रानी ने, भैया जी कैसे, और लये दुसाला हाथ कुबर ने और नीचे दई बिछाई है, अरे नीचे दई बिछाई है और वह बर की शीतल। ध्यान देना साहब कथा की तरफ, निवेदन है मेरा बार बार, वह बर की शीतल, वापर की शीतल छाया में फिर नींद तो उनको आई है। ओ राजा रे
विराम कर रहे हैं, कहानी मोड़ ले रही है, ध्यान दीजिएगा। सोमत में वह चंद्र प्रभाकु और यरे दस गो पिसियर कारो है, ये दस गो पिसियर कारो है और यरे दई तो हाई, अरे दई तो हाई, रानी ने कह लखनियो पर के बारो है, दई तो हाई, रानी ने कह लखनियो पर के बारो है। रानी के लिए एक सर्प ने डस लिया, रानी एकदम से दहाड़ मार गई, रोने लग गई। लेकिन श्रोताओं होता क्या है विचार कीजिएगा, कि प्राणन प्यारी की चीख सुनी, चाचा जी प्राणन प्यारी की चीख सुनी और मदन सेन फिर जागो है, और वह मदन सेन को देख के बिसियर इतबित को फिर जागो है, निकले झाग नार के मुक्ते, निकले झाग नार के मुक्ते, तड़प के मर गई रानी। और तुम आगे सुनो, रानी रानी चंद्र प्रभा की मृत्यु हो गई। अब इधर में वो मदन सेन रानी चंद्र प्रभा की लाश को गोदी में लेकर के, और भैया जी करुण क्रंदन कर रहा है, सिसकियां ले रहा है, बिलख रहा है। कहा रानी, ओ रानी तू तो मेरी सेवा करने के लिए आई थी और आज इस बियाबान जंगल में छोड़ करके तूने आज मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। आहा श्रोताओ सुनिएगा, मदन सेन दहाड़े मार करके रो रहा है अपनी रानी के लिए, और भैया जी होता क्या है कैसे, सुनिएगा सजनों। रोने लगा, बिलाप करने लगा, कहा रानी ओ मेरी भार्या सुन मेरी बात, आंखों में आंसू हैं, और भैया धर्मवीर होता क्या है कथा के अंदर कैसे। और ले डकराए राजा, ओ रानी भैया आर ले डकराए राजा और बन में सुनाया डकराए, हाय भैया जी कहा कैसे है? ये रे हाल
हलाए हलाए के अपनी और रानी ये देखे और कुआं में टेगा कर मनी को लिखे और होता क्या है कैमरा ट्रेगी गुरु जी ओवर तो ना चली गई बता दीजो साहब बताया ये रे नाए मुख पिए जाके कैसे देखिए समय सबके लिए बराबर है अगर मिनट मालूम हो तो मैंने तो साथ देखो वैसी तुक्का मारो मैंने कोई मिनट ना लगाई भैया जी अरे नाए मुख पिए जाके ये रे निखरे पानी और बीच में धोखा मेरी दे गई है नानी और क्या समय मेरा समापन की ओर है एक उड़ान और सुना करके जा रही हूं प्रेमी श्रोताओं राजा बिलाप कर रहा है रो रहा है अपनी रानी की लाश को गोदी में लेकर के लेकिन श्रोता बंधु होता क्या है बिल्कुल भाई साहब आप नाराज मत हो पहले ना बोले तो बिल्कुल पहले रुपए भाई ने पहले सम्मान किया था और फिर से 11 रुपए से सम्मान कर रहे हैं विजय सिंह भाई खुद्याना निवासी जोरदार तालियों से सम्मान भाई का भैया जी सुनिएगा अच्छी बात है उड़ान बोल करके अपनी बात को समेटो होता क्या है लाश को गोदी में ले रखा है ईश्वर की लीला कहां पर मोड़ लेती है विचार करे कैसे मदन सेन ने जैसे रानी की लाश को गोदी में लिया एक एक लकड़ी को इकट्ठा किया चिता बनाने के लिए चिता को बना करके तैयार कर लिया जैसी चिता बना करके तैयार की उस चिता के अंदर मदन सेन अपनी रानी की लाश को गोदी में लेकर के बैठ जाता है चिता के अंदर और चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है तो भैया जी अब होता क्या है कैसे और लहस जान ले लई गोदी में के आप रहे हो न सोदी में भैया जी मदन सेन को होशो हवास नहीं है और होता क्या है चिता में बैठा है जाई भैया चिता में बैठा है जाई कोई घूमत घूमत शिव क्या हो कोई घूमत घूमत से भी पार्वती कहे वहां आई कोई घूमत घूमत से भी और भैया धर्मवीर कहना क्या समय पूरा है गयो भैया
वो कोई इंद्रिय सिंहियों कहे, वो कोई इंद्रिय सिंहियों कहे,